चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी के लड्डू प्रसाद में मिलावट के मुद्दे पर अब स्टार वॉर की शुरुआत हो गई है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम और तेलुगु फिल्मों के स्टार पवन कल्याण और अभिनेता प्रकाश राज के बीच जबरदस्त वार पलटवार हो रहा है। अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रकाश राज का कमेंट पवन कल्याण को नाराज कर गया। एक्सट्रीम रेस्पेक्ट फॉर यू, कानी व्हेन इट कम्स टू सेक्युलरिज्म प्रकाश राज गारू, इट इज अ टू वे नॉट वन वे। 20 सितंबर को पवन कल्याण ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था कि हम सभी तिरुपति बालाजी के प्रसाद में पशु चर्बी, फिश ऑयल, पोर्क फैट और बीफ फैट मिलाए जाने की बात सामने आने से बेहद आहत हैं। तब की वाईसीपी सरकार की तरफ से गठित किए गए टीटीडी बोर्ड को कई सवालों के जवाब देने हैं। हमारी सरकार हर संभव सख्त कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय स्तर पर एक सनातन धर्म रक्षण बोर्ड की स्थापना का समय आ चुका है जो पूरे भारत के मंदिरों से जुड़े मुद्दों पर नजर रखे। इस ट्वीट पर अभिनेता प्रकाश राज ने तीखी टिप्पणी कर दी। उन्होंने लिखा, प्रिय पवन कल्याण, ये उस राज्य में हुआ है जहां के आप उप मुख्यमंत्री हैं। कृपया जांच कराएं, दोषियों को पकड़िए और सख्त एक्शन लीजिए। आप आशंकाएं क्यों फैला रहे हैं और मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर क्यों भड़का रहे हैं? देश में पहले से ही काफी सांप्रदायिक तनाव है। इसी बात पर पवन कल्याण भड़क गए। उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये मजाक नहीं है, गहरी नाराजगी और दर्द है, इसे कभी मत भूलिए। सनातन धर्म के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचिए। इस पर प्रकाश राज ने भी वीडियो जारी कर जवाब दिया, कहा कि पवन कल्याण जी ने मेरी बातों का गलत मतलब निकाला है। Might be fun for you, it is not fun for us. It's a deep anguish, deep pain. Don't you ever forget. Before you come and think 100 times and say talk about Sanatana Dharma. నేను ఇప్పుడు విదేశాల్లో షూటింగ్లో ఉన్నాను. ఈ ప్రతి మాటకి సమాధానం చెప్తాను. ఈ మధ్య మీకు వీలైతే నా ట్వీట్ని మళ్ళీ చదవండి, అర్థం చేసుకోండి. ABP న్యూస్ ఆప్కో రఖే ఆగే.